अभी आई थी भैया। फिर चेहरा उतरो, पड़ाओ, कैसे उदास कैसे हो रही है? भैया भास्कर के पापा ने मुझे मारा और एक साल के लिए वो बाहर जा रहे हैं मैं छोड़ के। भाई लाली, मियां बीवी की सबकी लड़ाई हो या मतलब थोड़ी है, तुम उठाकर भग लेगी एकदम। बैठ के बात करती, हम आते हम समझा देते, घर घर में हो लड़ाई। मैं खबाऊंगी इधर ओटा, आ गई है यहाँ खाम खा के दिमाग खराब करने के लिए। ले चाय। ऐसे मैं ही समझा रही हूँ इसे, जैसे तुम कह रहे हो इससे। तेरी माँ ने किसकी है? दुष्यंत के पापा, मुझसे ना हो पे घर का काम। तुम्हारी बहन करेगी या तुम करियो फिर? मेरी रहे तबीयत खराब, मैं ना करूंगी कुछ भी घर का काम। बस शांति थम जा, अब तू भी ऐसी कर रही है। अभी कहाँ जाएगी, या घर यहीं तो आई है बेचारी, अब घर छोड़ के जाएगी वो, कहीं और रहेगी रास्ता में। भाभी आप परेशान मत हो, घर का काम मैं कर लूंगी सारा, मुझे पता है आपकी तबीयत खराब रहती है। भूपी राम राम। राम राम। कैसे उदासी बैठी है? अरे भूपी हम तो नाराज था ना, पूरे गांव में तू ही ऐसी है जो हंसती अच्छी लगे। सोनू ऐसी बात ना है, बस तू चुप रह, मेरा दिमाग खराब है। बस सोनू ये रिश्तेदार से लड़का ही है, अभी आपका मतलब थोड़े घर घर में लड़ाई हो गए, मुंह उठा के अपने घर को चल दो। बस सोनू ऐसा दरार पड़ा है मियां बीबी में, ठीक थोड़ी है यू। भूपी ठीक कह रहे हैं चाचा, तो ऐसा करना ना चाहिए। और अब एक बात था, भूपा कैसे कर रहे होंगे? होबे अब तो घर को जा, काय दिन राजी राजी में ये, हम तेरे हाथ जोड़ के कह रहे हैं ये बात है। सोनू तुझे ना पता कुछ भी, और मैं ना जाऊं बिल्कुल भी, कसम खा के आई हूं मैं। मुझे भी एक सेब दे दो। ये हमारा सेब है, हमारा सेब है। छोड़ छोड़ पापा लाए। क्या है, क्यों लड़ रहे हो? क्या तू क्या कर रहा है यहाँ पर? चल यहाँ से, पहले कुछ सेब खाने को चल यहाँ से। अभी शांति बाल कैसे उड़ा रहा इंडिया को? सेब मांग रहा है बालकों से, छीन छीन के खा रहा। तो दे देती है सेब, आप बता रही? हाँ जरूर दे देती। वो हमारा ना इंडिया को, तो फिर इसका बाप कमा के घर का आ गया? तो हम तो कमा रहे हैं, तो तुम खवा दो फिर जाके। तेरा पेट मोटा हो रहा। मेरे बालक खाएंगे बस, मैं नहीं जानती कुछ भी। वो भी तेरे बालक है। मैं ना खवाऊ, पहले मैं अपने बालकों को खवाऊंगी, बालकों से बचेगी तो देंगी चीज। ये भी तेरे बालक है, वो भी तेरे बालक है। मेरा तेरी सोच ही गलत है, सोचने का तरीका ही ना ठीक है। शांति तू ही खा रही बालकन खा, हम तो जा रहे हैं। हाँ बेटा हम घर चलेंगे, तुम्हारे पापा हमें लेने एक दिन जरूर आएंगे। अभी दुष्यंत बेटा क्या होमवर्क दिया दिखा।
इसको ट्रांसलेट कर लेगा? हाँ पापा। समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है ठीक है। और गुंजन बेटा आप दिखाओ। पापा जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ट्रू फॉल्स बेटा, ये भी ट्रू ही है। ठीक है, ये फॉल्स नहीं है, ट्रू ही है। एक बार और देख लेना। अरे शांति, एक गिलास पानी लेके आ जा, आधा घंटा होगा मुझे यहाँ बैठे हुए। लाई दी लाई। ले ओ पानी। आज बड़े पढ़ाई पे लग रहे पापा को देख के। और दिन ना पढ़ते हैं ऐसे बिल्कुल भी है। अच्छा, जैसे आज पढ़ रहे। हाँ। और दिन कहाँ कर रहे? पूरे दिन तक जो गली में खेलते रहे। मैं कहाँ खेले? कभी बैट बॉल, कभी गिल्ली बल्ला, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे बालक स्पोर्ट्स में आगे निकल रहे हैं। पढ़ाई भी करेंगे, अरे कुछ हमारा नाम भी करेंगे। अच्छी बात है। तो बेटा दोनों पढ़ाई करो मन लगा कर, और हमारे नाम करो स्पोर्ट्स में भी। जहाँ में भी दिलचस्पी हो मैं करवाऊंगा, तब आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है जी पापा जी। ठीक है बेटा दुष्यंत जी। पापा जी, मम्मी जी, पापा जी ने कह दिया कि हम खेल भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। हम वही करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे भी। पापा मेरी बॉल फट गई, मेरे 100 रुपए दे दो। ठीक है बेटा, अपनी मम्मी से ले लेना। शांति हाँ जी, दुष्यंत को 100 रुपए दे दो। ठीक है दे दूंगी। और मैं जा रहा हूँ प्रधान से, मुझे कुछ काम है। ठीक है, दे देना पैसे। ठीक है। दुष्यंत चल खेलने चल रहे हैं। अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी। मम्मी मारे नहीं मारेंगी, चल खेलने चल रहे हैं। अरे बाल क्यों थोड़े बहुत देर पढ़ भी लिया करो, पूरे दिन खेलते रहो। पापा जी ने परमिशन दे दी खेलने की। ले महारानी, इन्हें भी धो दे, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी और काम भी पड़ा। हाँ बेटा हम घर चलेंगे। बेटा अभी आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ठीक है आ जाओ। मम्मी मुझे लोरी सुना दो। चंदा है तुम मेरा, सूरज है तुम मेरी आंखों का तारा है। महारानी क्या बजे तक सोएगी? खड़ी आओ। झाड़ू क्या बजे लगेगी? खड़ी आओ। भाभी उठ तो भी हूँ। आप ये वाली बात प्यार से भी तो कह सकती हो ना। टाइम देख रही कितना हो रहा है। खड़ी जा, झाड़ू वाड़ू लगा, इसे भी उठा। भाभी इसे तो सोने दो। बहुत सॉरी, खड़ी हो जा।
जल्दी चल, छोड़ दे इसे, बहुत काम पड़ा घर में, उसे कर पहले। अभी चल रही हूँ ना मैं। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी चल, बहुत काम पड़ा, कपड़े भी धोने पड़े अभी। महारानी मुझे धुलवाती रहेगी, कपड़े वपड़े भी धोएगी। भाभी दुसंत का कोई कपड़ा है, बलियानी या टी शर्ट? देख के दे रही हूँ अभी, रुक जा, तसल्ली मार थोड़ी सी। ले इसे पहरा दे। महारानी जल्दी कर लेना, और भी काम पड़ा है, यही काम ना है, बस लेके बैठे 10 घंटा से इन चावलों को, यही ना चुगे जा रहे तुझ पे। मम्मी मुझे भी गेम खेलने दो ना। बेटा चुप हो जाओ। नहीं मैं चुप नहीं होऊंगा, मुझे अभी डैडी से बात करनी है, वरना मैं डैडी के पास भाग जाऊंगा। बेटा इस तरह से नहीं बोलते। नहीं मुझे अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, अभी बात करनी है। ठीक है मैं कराती हूँ। बेटा भास्कर। हेलो डैडी, यहाँ हमारी मामी ना, मैं यहाँ बहुत परेशान करती है, मैं दूध भी नहीं देती, अच्छा खाना भी नहीं देती। अच्छा बेटा तुम्हारी मामी इतनी तंग करती है, उसकी ये मजाल, मेरा नाजायज फायदा उठा रही है वो, सबक सिखाऊंगा उन लोगों को आगे मैं। हेलो डैडी आप लेने आ जाओ ना, मैं और मम्मी आपको बहुत याद करते हैं, प्लीज लेने आ जाओ ना। सबक सिखाऊंगा उन लोगों को आके मैं, तू रो मत, ठीक है, रोना नहीं, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, रख फोन। ओके मिनी, मेरी सौख सारे काम को बिगाड़ दे, कुछ भी काम करवा लगो ना सारे काम को बिगाड़ देगी। तेरे बाप का घर है ना यू, ये तेरे खसम का घर है। राम दादी ने सारे चावल बखेर दिए, खाए ना, तेरे बाप खा गए ना, खाए ना सारे, उठा, तेरे बस की ना है कुछ भी।
और तू भाग मेरे घर से, चल निकल, चल यहाँ से, चल ही नहीं मैं खुद कर दूँगी साथ, हट जा, हैं दे, जा, निकल यहाँ से, ना तू निकल यहाँ से, चल, यूँ ना तेरा बैग उठा अपने बैग को, चल यहाँ से, जा, निकल यहाँ से मेरे घर से, मुझे माफ कर दो, मम्मी ऐसा मत करो, चलो, जाओ यहाँ से, जाओ, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, भाभी, कोई काम करना आ गया तुझसे, जा तू, निकल, निकल, निकल तू मेरे घर से, चल ले, बेटा भास्कर। डैडी। तुम क्यों रो रही हो? पागल हो गई हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखा। उससे बहुत बड़ी गलती हुई, थप्पड़ मार गया। मैं गलत नहीं था पगली, तू छोड़ के चली आई मुझे, मेरा कितना बुरा हाल है, है? मैं इतना बुरा नहीं था सीमा, इतना तुमने मुझे बुरा समझा। पगली, तुमने बहुत अत्याचार करा है मेरी बीवी और बच्चों पर, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम जैसा इस परिवार से। तुमने हमारा नाजायज फायदा उठाया, तो तू ये फोन नहीं कर सकती थी? वरिष्ठ, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, और बहन जी तुमसे माफी चाहता हूँ। या सौंती ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, हीना हराम कर रखा हूँ मेरा। कपिल, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी इस घर से, मेरे बच्चों के साथ में क्या क्या गुजरी होगी मुझसे पीछे। वरिष्ठ, वो माफ कर दो, मैं भी थारी गैल चल रहा हूँ, मैं भी छोड़ने जा रहा हूँ यहाँ आई। मेरा छोटा सा बेटा, मेरे दिल पिघल रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं बहन को यह हाल देख के मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। चल सीमा, मैं सौंती पे। सीमा, मैं भी थारी गैल चल रहा हूँ। दादी तुम मत जाओ कहीं भी, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी, इतने अत्याचार करे यहाँ पे, मैं रह लूंगा एक मिनट भी। गलती हो गई, गलती मांगनी है तो ऐसी मांग, मेरी बहन सु, मेरी जीजा सु मांग, इनमें तेरे अत्याचार करे बहन पे। गलती होगी मुझसे, गलती मानू दीदी, गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दो, हम सब सही से रह करेंगे, मुझे माफ कर दो जीजा जी, कहीं मत ले जाओ अभी। कपिल चलो, कल तो आ गई है शांति को, मगर हमें जाना तो पड़ेगा, तुम आराम से रहो, हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है सीमा, तुम दोनों आराम से रहो, ठीक है? देख लो मेरी बहन है, तेरे कितने अत्याचार करे वहां पे, और फिर भी तो माफ कर गई, तो शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दो जी, अब नहीं करूंगी ऐसा कभी भी, मेरा दिल मत दुखाइयो कभी भी, और आज के बाद किसी पे अत्याचार मत करियो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। चल ठीक है।